राम राम जी सारन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ये चिनोन का कपड़ा है, इसकी मैं आज चुन्नी बनाऊंगी और ये लैस लगाऊंगी। ये ले लिया कपड़ा, इसमें तई मैं चुन्नी बनाऊंगी। ये 2.5 मीटर कपड़ा काट लूंगी, इसमें है 2.5 मीटर की चुन्नी बनाऊंगी। ये 5 मीटर कपड़ा है, 5 मीटर में तय 2.5 मीटर कटिंग कर लूंगी। ये 2.5 मीटर कपड़ा निकाल लिया मैंने, कटिंग कर ली उसमें है। ये भी इसका लैस लगाऊंगी, ये और ये पहले ये लैस दोनों आपस में जोड़ लूंगी, ये यूं जोड़ लूंगी। पहले इस पर सिलाई लगा लो, ये दोनों लैस आपस में जोड़ लूंगी। पहले ये सिलाई लगा लूँ एक बार, ये दोनों लैस अटैच कर ली। ये भी ये गोल्डन कपड़ा और लाऊंगी इसके नीचे, ये और काट लूं। ये 3 इंच की चौड़ी पट्टी काट दूंगी, ये 3-3 इंच पर निशान लगाऊंगी इसके, ये 3-3 इंच पर निशान लगा दिए और ये इसकी ये कटिंग कर लूंगी। और लंबाई लेंगी चुगर दाजे की 7.5 मीटर या 7.5 मीटर लगेगी, 7.5 मीटर लंबी पट्टी काट लूँगी। ये भी ये लैस लगानी शुरू करूँगी मैं इसका। ये कपड़ा उल्टा रख लिया, इस साइड तो सीधा है, इस साइड तो उल्टा है, और ऊपर रख ली है गोल्डन पट्टी। ये गोल्डन पट्टी और ये चुन्नी का कपड़ा रख लिया, और ये लैस सीधी रखूँगी, ये इस तरह रखूँगी और ये छोड़ दूंगी। इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाऊंगी, इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। ये सिलाई लगा लूँ, ये देखो ये गोल्डन पट्टी भी साथ में लग जाएगी और लैस भी साथ में लग जाएगी चुन्नी का। चुन्नी उल्टी रख ली और ये लैस सीधी रख ली, और ये गोल्डन पट्टी भी सीधी रख ली। ये इस साइड तो सीधी है चुन्नी, ये भी लगा लूँ मैं ये सिलाई, और ये तो बराबर होगी ये इनकी कानी, और ये इस तरह रखूंगी और इसके ऊपर को सिलाई लगा दूंगी। ना ही चुन्नी का कपड़ा खींचना है, ना ही लैस खींचनी है। ये एक सार करते हुए इस पर सिलाई लगा दी जाऊंगी। और अब ये कॉर्नर आ गया, इस कॉर्नर पे ये 1/2 इंच छोड़ दूंगी, ये 1/2 इंच छोड़ दिया और इसने यूं घुमा दूंगी। साथ में ये और ये सीधी सिलाई लगा दूंगी। ये 1/2 इंच छोड़ के ना, और ये घुमा दिया। ये कपड़ा और ये बराबर रख के ना, और ये ऊपर ये लैस रख के ना, ऐसे सीधी सिलाई लगानी है। ये देखो चारों तरफ लग गई, ये इतना कोना रह गया, ये उरे तक लगाऊंगी। ये आएगी पूरा तक, ये नीचे स्टार्ट करी थी, ऐड तक करी थी, और ये भी ये पूरा तक कटिंग कर दूंगी इसकी, ये इतनी काट दूंगी। ये गोल्डन कपड़ा भी काट दूंगी ऐड तक, जितनी ये है इतना ये काट दूंगी।
पूरा तक सिलाई लगा दूंगी। ये उरत स्टार्ट करी थी और उरत ख़त्म कर दी, ये बराबर आएगी। ये भी इसका कॉर्नर बनाऊंगी, इसने ऐसे रखूंगी और ये इसके ऊपर आ जाएगी और इसका ये यूँ मोड़ के ना ये कॉर्नर बन जाएगा, इस तरह आ जाएगा। ये गोल्डन पट्टी पीछे की साइड चली जाओगी, ये कॉर्नर बन जाएगा, ये गोल्डन वाली ये इस तरह चली जाऊंगी पीछे की साइड। इसका भी कॉर्नर बना दूंगी गोल्डन पट्टी का भी इस तरह, और ये उरा को सिलाई लग जाएगी। पहले मैं इसने चिपकाऊंगी रिविल सील टेप गला चिपका के ना, एकदम फिनिशिंग हो जाएगी, इसमें झोल को नहीं पड़ेगा पीछे। ये देखो चारों तरफ लगा दी चुन्नी के, ये नूर रख के सिलाई लगाई थी, ये गोल्डन पट्टी यूँ रखी थी, ये कपड़ा और ये लैस बाहर की साइड, और ये भी इसने यूँ पलटाँगे तो ये उल्टी साइड आ जाएगी ये लैस, और ये गोल्डन पट्टी उल्टी साइड चली जाओगी। ये देखो ये सीधी साइड आएगी और ये गोल्डन पट्टी उल्टी साइड, और इसने इस साइड यूँ मोड़ दूँगी और प्रेस कर दूंगी, प्रेस तो अच्छी तरह जमा लूँगी और फिर सिलाई लगाऊंगी। ये वे लैस ना, पहले लैस ना इस गला रिविल सिविल टेप गला चिपकाऊंगी, उस तक झोल को नहीं पड़ेगा, यूँ की यूँ रखी ना चिपका दूंगी। पहले इसने लैस ना चिपकाऊंगी और फिर इस गोल्डन पट्टी ना चिपकाऊंगी, यह बहुत इस फिनिशिंग का गला सिलाई होगी, फिर झोल को नहीं पड़ेगा। और इबे गोल्डन पट्टी ना यूँ की यूँ रखी रहने दूंगी और पहले ये लैस चिपकाऊंगी। ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर यूँ का यूँ चिपकाऊंगी, पूरा तक चिपक जाएगा पूरा, और फिर इस साइड यूँ मोड़ के ना ये कॉर्नर बन जाएगा और फिर इसने चिपका दूंगी। पहले ये लाइन चिपका दो, ये ऐसे रखूंगी और इसने टेप ने इसका रख दूंगी लैस का ऊपर। ये छोटे छोटे टुकड़े काट दूंगी लैस इसके रिविल सील टेप के, इतने इतने चिपकाऊंगी पहले। ये एक पीस और रखूंगी इसके ऊपर और इसने यूं मोड़ दूंगी, यूं रख के ना इसके ऊपर अखबार रखूंगी पहले, यूं की यूं प्रेस चलाएंगे तो ये सितारे हैं और ये नेट सा है ये बढ़ जाएगा। इसके ऊपर अखबार रख के ना फिर प्रेस चलाऊंगी इसके ऊपर। ये देखो इतनी अच्छी तरह चिपक गई, ये इस साइड तक भी कोई चुन्नट नहीं आई, और ये देखो इसी तरह चारों तरफ चिपका लूंगी मैं इसने। ये देखो लैस तो चिपका ली है और ये कॉर्नर कितने अच्छे आए हैं, ये देखो ये चिपका ली, ये भी ये गोल्डन पट्टी और चिपका लिया, कितनी फिनिशिंग आई है, कोई चुन्नट नहीं आई। ये कॉर्नर पे भी चारों कॉर्नर एकदम साफ हैं, और इब ये गोल्डन पट्टी और ये इस तरह ये करूँगी और इसने भी चिपका दूँगी रिविल सील टेप के लिए, इसने भी चिपका दूँगी यूँ मोड़ के ना, ये देखो। और फिर एक सिलाई में ही काम चल जाएगा, ये चिपका लूँ गोल्डन पट्टी और इसका भी ये कॉर्नर ये इस तरह करूँगी, ये एक साइड तक इस तरह करूँगी और ये इसने यूँ मोड़ूंगी, ये कॉर्नर निकला होगा, ये सीधा लेके जाना है और ये इस तरह मुड़ जाएगा।
ये कॉर्नर बन जाएगा। कितनी अच्छी चिपकी है चुन्नी के चारों कॉर्नर, कितने अच्छे बने हैं। ये जोड़ वाला है, जड़ा जोड़ लग गया था ऊपर तक, ये सीधा करके नर ऊपर यू पलट दिया, ये इस साइड भी और इस साइड भी। देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ लगी है, ये गोल्डन पट्टी भी और ये लैस भी। ये रहेगी एक सिलाई लानी, इसके ऊपर एक सिलाई लगा दूँ, इस साइड तक भी लगा सका, हाँ इस साइड तक भी, दोनों साइड तक एक ही सिलाई लगेगी। इस गोल्डन पट्टी की तरफ तक ही लगाऊंगी मैं तो सिलाई, ये इस साइड तक लगाऊंगी मैं सिलाई इस कॉर्नर पर। देखो लैस पे भी लग गया है, ये किनारी पर और ये किनारी पर, चारों तरफ इसी तरह लगा लेंगे। ये भी ये दूसरा कॉर्नर आ गया, इसके ऊपर ये करूंगी और इसमें ये सिलाई लगा दूंगी और फिर इसी पता है एक सिलाई और लगा दूंगी, मोड़ के ले जूंगी इतना मशीन में वापिस। ये देखो इस साइड भी लग गई और इस साइड भी, एक सिलाई में ही काम चल जाएगा। एक सिलाई पहले लगाई थी ये और एक ये, दो ही सिलाई लग गई मशीन में लैस लाना में, ये गोल्डन पट्टी और लैस लगाना में। बहुत ही आराम तय बनाए सका पाइए डिजाइनर दुपट्टा घर पर।